दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल एजुकेशन में। इस वीडियो में हम हरियाणा पुलिस लेटेस्ट जीके करेंगे। तो यह हरियाणा पुलिस लेटेस्ट जीके सीरीज का दूसरा भाग है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका पहला भाग भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले, तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा प्रदेश में तीसरा साइबर थाना कहाँ पर खुलने जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में जो है वो तीसरा साइबर थाना हरियाणा का खुलने जा रहा है। तो इससे पहले जो है वो गुरुग्राम और पंचकुला में साइबर थाने खोले गए हैं। तो अब हरियाणा में तीन साइबर थाने हो गए हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड विधि हरियाणा संशोधन विधेयक 2018 के पास होने पर हरियाणा में 12 साल या इससे कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म पर किस सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फांसी। तो फांसी की सजा का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो यह हरियाणा सरकार ने भी किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है ये फांसी की सजा का प्रावधान इसमें जो है किया है। तो दोषी को जो है वो फांसी या कम से कम 14 वर्ष और सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को जो है वो कम से कम 20 साल सश्रम कारावास या फांसी की सजा जो इसमें निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक पुलिस थाने में कौन से कक्ष स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पुलिस, सॉरी ऑप्शन सी, पुलिस मित्र कक्ष। तो पुलिस मित्र कक्ष जो है वो हर थाने में जो है स्थापित किए जाएंगे। तो पुलिस मित्र कक्ष या जो है सेवा सह शिकायत केंद्र जो है वो इनको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रदेश के सभी शहरों में किस प्रकार के कैमरे लगाए जाएंगे? तो ये सुरक्षा की दृष्टि से जो है ये कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीसीटीवी कैमरे। तो सीसीटीवी कैमरे जो है वो इस प्रदेश के सभी शहरों में जो है वो मुख्य जगहों पर लगाए जा रहे हैं, ताकि वहां पर जो है जो आपराधिक गतिविधि करने वाले लोग हैं तो उनके ऊपर नजर रखी जा सके और उन पर शिकंजा कसा जा सके। तो इसमें जो ये हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हरियाणा सरकार से किसके डाटा को रिकवर करने के लिए बिटकॉइन में 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो डाटा है वो सर्वर को जो है वो हैकर्स ने हैक कर लिया था, और उससे जो है वो डाटा रिकवर करने के लिए 1 करोड़ रुपए की जो डिमांड की गई थी वो भी बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हरियाणा में किनके आधुनिकीकरण के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुलिस बलों के। तो पुलिस बलों को जो है वो हरियाणा सरकार आधुनिक जो है करने जा रही है, तो उनको जो है वो मॉडर्न तरीके के हथियार और जो वस्त्र हैं तो वो दिए जा रहे हैं। उनको जो है वो प्रशिक्षण भी वो मॉडर्न तरीके का दिया जा रहा है, ताकि जो हाईटेक हो चुके अपराधी हैं उनके साथ ये सही तरीके से मुकाबला कर सकें। तो इसके लिए जो है पुलिस बलों को आधुनिक उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हरियाणा का पहला साइबर थाना कहाँ पर खोला गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के अंदर जो है वो हरियाणा का पहला साइबर थाना खोला गया है। तो बढ़ते जो भी साइबर क्राइम है तो उनसे निपटने के लिए जो है वो साइबर सिटी गुरुग्राम में ये पहला साइबर थाना खोला गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है वो मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका आंसर पता होगा। अगर आपको इनका आंसर पता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है वो इनका आंसर मुझे दीजिए, ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों की जो तैयारी है वो किस प्रकार की चल रही है। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के इस समय जो वो डीजीपी कौन है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? और दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में पूछूंगा। तो
इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि हरियाणा में कहाँ पर रात्रि ड्यूटी के लिए सेना के भूतपूर्व सैनिकों में से 1,000 अतिरिक्त विशेष पुलिस अधिकारियों को लगाने के लिए सहमति दी गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के अंदर जो है वो ये स्पेशल सैनिकों को लगाने के लिए जो है अनुमति दी गई है और इनके लिए प्रोसेस चल रही है। तो पुलिस कमिश्नरेट गुरुग्राम में ये सैनिक जो है वो लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रदेश में 100 नंबर पर आने वाली फेक कॉल्स से पुलिस ने छुटकारा पाने के लिए कौन सा सिस्टम अपनाया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी कि IVRS सिस्टम। तो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो अब हरियाणा पुलिस सहायता के लिए जो है वो 100 नंबर के बाद जो आपको एक नंबर ऑप्शन जो है पूछा जाएगा वो दबाना पड़ेगा। तो जैसे आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो उसमें जो है आपसे पूछा जाता है कि इसके लिए आप एक दबाइए, इसके लिए दो दबाइए। तो 100 नंबर डायल करने के बाद आपको उसमें जब आप एक नंबर डायल करोगे तो तभी आपकी कॉल उसमें जो है वो कनेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि देश की पहली ऐसी जेल जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि अटल सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है कहाँ पर है। तो इसका आंसर है जींद। तो जींद की जो जेल है, जींद की जिला कारागार जो है वो देश की पहली ऐसी जेल है जहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर की जो है वो शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ई चालान लागू करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा बना है। तो इसका आंसर है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम जो है वो ई चालान लागू करने वाला हरियाणा का पहला जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रेलवे विभाग ने महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षाओं के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो ये एक नया नंबर जारी किया गया है जो कि है 182। तो इसमें जो महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षाओं के लिए जो है वो ये 182 नंबर रेलवे विभाग ने नया जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हरियाणा पुलिस के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्टारिका में भी हुए थे। तो उसमें जो है वो हरियाणा के जो है खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, 22 खिलाड़ियों ने जो है वो इसमें मेडल जीते थे। तो इसमें पुलिस के जो है वो कुल 4 खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीते थे। तो ये 4 खिलाड़ी जो हैं वो इस प्रकार हैं, उप पुलिस अधीक्षक विकास किशन ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था, उप निरीक्षक मौसम खत्री ने रेसलिंग में रजत पदक जीता था, महिला उप निरीक्षक बबीता फोगाट ने रेसलिंग में रजत पदक जीता था और महिला उप निरीक्षक सीमा अंतिल ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्राइम कंट्रोल के लिए 4 राज्यों के लिए इंटर स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा। तो अभी हाल ही में जो वो 4 राज्यों की मीटिंग हुई थी हरियाणा के बॉर्डर से जो लगते हुए हैं जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के। तो इसमें जो वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सभी ने एक वो मेन सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो ये सेंटर जो है वो गुरुग्राम में बनाया जाएगा। तो इसमें जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली इसमें शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हरियाणा प्रदेश में किसकी तर्ज पर हरियाणा पुलिस कैडेट कोर स्थापित किया जा रहा है। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो हरियाणा में जो राष्ट्रीय कैडेट कोर की तर्ज पर पुलिस कैडेट कोर जो वो स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें जो वो 11वीं से स्नातक तक की कक्षा के छात्रों को जो वो शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की किस जेल में बनने वाली गौशाला की आधारशिला रखी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, करनाल। तो करनाल में की जेल में जो वो गौशाला बनाई जा रही है। तो यह इसलिए है कि ताकि जो कैदी जो है वो गौ सेवा कर सके और जो है उनमें इससे जो है वो सकारात्मक सुधार हो। तो करनाल की जेल जो है वो प्रदेश की ऐसी पहली जेल है जहाँ पर गौशाला बनाई जा रही है। तो हरियाणा की सभी जिला जेलों में जो है वो गौशालाएं बनाई जाएगी जहाँ पर कैदी गौ सेवा कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्टेट्स ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2018 में किस राज्य की पुलिस को बेस्ट पुलिस का अवार्ड दिया गया है।
तो ये दिया गया है हरियाणा पुलिस को, और इस रिपोर्ट में जो वो सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो दिल्ली पुलिस का रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 कि पासपोर्ट सत्यापन में बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रदेश के कितने थानों को पुरस्कृत किया गया है। तो जैसे पासपोर्ट जो बनता है उसके बाद जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तो वहाँ पर जो सबसे अच्छा काम करने के लिए हरियाणा के जो 3 थानों को जो है वो पुरस्कृत किया गया है। तो ये 3 थाने जो है वो हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद और कैथल, इन जिलों में है ये। तो दोस्तों आपके लिए प्रश्न नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि हरियाणा के डीजीपी कौन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इस समय जो हरियाणा में कितने महिला पुलिस थाने हैं। तो आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि जो मैं रोज़ एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको ईमेल के माध्यम से मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ।